नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट के लांजी मुख्यालय अंतर्गत ग्राम मोहिझरी में घर के पास स्थित खेत में लकड़ी तोड़ने गए दो ग्रामीणों पर तेंदुए ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले की खबर पूरे गांव में सनसनी की तरह फैल गई और ग्रामीण भी हाथों में डंडा लेकर जमा हो गए। आपको बता दें, गर्मी का मौसम आरंभ हो चुका है, ऐसे में जंगली जानवर समीपस्थ गांव में चारे पानी हेतु निकल पड़ते हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं, जिससे जंगली जानवर इस सुनसान मौके का फायदा उठाकर खेतों तक पहुँच रहे हैं। घायल करण पंद्रे और रोहित अफसरे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानेगांव में प्राथमिक उपचार कराने के बाद दोनों को बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं वन्य प्राणी तेंदुए के ग्राम में आने की सूचना वन विभाग को मिलते ही वन विभाग और लांची एसडीएम भी ग्राम में पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। ग्रामीणों से अपील की गई कि वह वन्य प्राणी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। आपके साथ क्या घटना हुई थी? हाँ, वो शेर ऐसा वो नाले में जैसा गया, वैसे ही मेरे ऊपर कूद गया। तो आप कहाँ गए थे? ओ, खेत के तरफ। फिर वहाँ वो छुपा हुआ था? छुपा हुआ था बेदाड़ी में। आपके ऊपर कैसे हमला किया उसने? वो एक लकड़ी थी, उसको तोड़ रहा था, वो सोचा होगा कि मार रहा है। मैं डीसी वासुदेव, परिषद अधिकारी किरणापुर के पद पर पदस्थ हूँ। सर, कल एक मामला आया था मोहझरी में, तेंदुए की दस्तखत हुई थी, क्या था पूरा मामला? प्रातः मुझे सूचना मिली, एक 100 डायल से मिली और ग्रामीणों से भी सूचना मिली कि यहाँ पर टाइगर निकला हुआ है। तो फिर मैं तत्काल ही मौके पर पहुँचा अपनी टीम को लेकर के। तो घटना स्थल से दो लोग, एक करणवल्द जेठू पंद्रह है और दूसरा है रोहित चमारू अवसरे, ये दो लोग हैं मोहझरी के रहने वाले। और गांव से 1 किलोमीटर आगे में एक नाला है, उन नाले में ये लोग लकड़ियां चुन रहे थे। उसी बीच में